गाइस आई एम सोहेल खान बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो आज का व्लॉग जैसे कि मैं अजमेर जा रहा था, मेरा काफ़ी टाइम से प्लान था कि व्लॉग करना है और व्लॉग आपको मैं शॉर्ट्स पे भी बताऊंगा और यूट्यूब पे फुल व्लॉग भी कंटिन्यू शूट हो रहा है। और मैं काफ़ी टाइम से इनएक्टिव था, मेरे कुछ कामों में बिजी था, लेकिन अब जो है व्लॉग मैं अजमेर में डे वन डे टू जितना दिन स्टे करूँगा आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ राजस्थान, तो आप लोग आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग पसंद आए। और मैं थोड़ा फंबल होऊंगा बिकॉज मैं काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग बना, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और कम्युनिटी में जुड़ो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। और आई होप लेट्स सी, देखते हैं। और अभी तो ये चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं। सो फाइनली हमने ये आउटफिट वेयर कर लिए और सब हेयर भी बराबर थे, फिर निकल पाए। फाइनली अभी पूरे वाली स्टेशन पहुंचा, वो भी है अभी ट्रेन को आने के लिए ऑलमोस्ट बाकी है, अच्छा खासा टाइम बाकी है। बज रहे हैं कुछ अभी 4:40 अराउंड, तो ट्रेन तो लगी नहीं है, हम लोग पहले ही आ गए यहाँ पे। और टेम्पररी यहाँ पे हम लोग सामान रख के खड़े हैं अभी, और जो भी आएगा सीन है तो ट्रेन में आगे ब्लॉग कंटिन्यू कर। सो ये डिनर खा के आगे, सो फाइनली अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। ट्रेन आने के बाद टाइम हो रहा है लगभग 9:37, तो हम लोग ट्रेन में बैठ के अपना डिनर वगैरह कर लिए और बाकी का देख सकते हो। हमने नाइट का नज़ारा लिया और फिर हम सो गए। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फिर कालू दादा ने आपको गुड मॉर्निंग का व्यू दिखाया और बाद में मिलते आगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी जो है चित्तौड़गढ़ जंक्शन है और सुबह के बज रहे हैं 7:57। हम लोग अभी चित्तौड़गढ़ जंक्शन पे उतरे और फ्रेश होके नाश्ता भी कर लिए, बिरयानी सुबह सुबह खा ली। अभी अजमेर आने के लिए ऑलमोस्ट 2-3 स्टेशन बाद में व्लॉग इतना कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज के साथ फैमिली वगैरह बैठे ट्रेन में, तो उसके लिए और थोड़ा वॉइस का भी प्रॉब्लम होगा बिकॉज मेरे पास माइक नहीं। चलते हैं अंदर, फिर अच्छे से हेयर सेट करते हुए ये ट्रेन का नज़ारा लेते हुए हम निकल पड़े। और आगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे सीन मिले हमको और फिर बाद में जो कव्वाल आए वो ट्रेन में मज़े ही मज़े हुए। आगे देखो, फाइनली हम लोग अजमेर स्टेशन उतर गए हैं। अजमेर लगभग 10:40 पे उतरे, चलते हैं और आगे दरगाह पे जाके आपको ब्लॉग बताते हैं और क्या सीन है क्या नहीं है वो सब पूरा वॉच करो एंड तक। और यहाँ पे मैं 2 दिन रुकने वाला हूँ तो वो भी मैं पूरा एक्सप्लोर करके बताऊँगा, तो देखते रहो एंड तक और मचाते रहो। ये ई रिक्शा है शायद, यहाँ पे यही चलती है लोकल, तो इसमें हम लोग जा रहे हैं। ये अजमेर स्टेशन, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठे हैं और रिक्शा आपको मिल जाएगी स्टेशन के बाहर से, लेकिन प्राइस बार्गेनिंग नहीं करेंगे ना। देखो अजमेर स्टेशन, फिर फाइनली हम लोग ये गेस्ट हाउस आ गए, जस्ट गेट के सामने ही था अजमेर शरीफ दरगाह के और ये रूम है। तो ऐसे तो सबको जल्दी रूम नहीं मिलता है यहाँ पे, लेकिन रूम की अवेलेबिलिटी होने के कारण हम लोग को मिल गया है रूम। और वैसे तो जैसे 4-5 जन मैक्स टू मैक्स आ सकते हैं, बट सोने के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होगी, जैसे कि यहाँ पे 2 बेड दिया है तो 2 जन यहाँ सो सकते हो और यहाँ पे 2 जन सो सकते हो, आराम आप गद्दा लेके यहाँ सो सकते हो, तो काफ़ी अच्छा रूम है। अभी हम लोग आके पहले तो मैंने यहाँ पे फ्रेश हुआ, मतलब पूरा नहाया धोया, उसके बाद चेंज किया पूरा आउटफिट ये वेयर किया। और अभी हम लोग दरगाह में नहीं गए,
क्योंकि यहाँ से नियर बाई में 100 मीटर में अभी सब नहा लेते हैं जितने भी हम लोग 3 जन आए हैं। तो जैसे ही सब फ्रेश होते हैं उसके बाद आगे दरगाह का ब्लॉग बताऊंगा। और जैसे स्टेशन से यहाँ तक का आप लोग ने देखा और रूम काफ़ी अच्छे साफ है एकदम। और जो भी आप जिसको भी कुछ कंटेंट या कुछ है तो यहाँ बताओ। और यहाँ पे जो भी हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है जैसा आपके घर की तरह है ना, गर्म पानी सब सब पीने का पानी भी वहाँ पे गर्म भी रखा हुआ है। पूरा हॉस्पिटैलिटी एकदम अच्छी से है। और जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे एसी वाले रूम है तो मेरी नानी बोल रहे हैं, और हम लोग ने नॉन एसी लिया है बिकॉज ठंडी है तो नॉर्मली टेम्परेचर में रहना सही है। ज़्यादा दूसरी सिटी में टेम्परेचर रहना दूसरी स्टेट में सही नहीं है। तो अभी आगे जैसे भी रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ और ज़ियारत करेंगे। फिर उसके बाद मैं थोड़ा व्लॉग को एंड कर दूंगा। उसके बाद डे 1 और डे 2 का व्लॉग आएगा, मतलब पहला दिन और दूसरा दिन जितना दिन मैं रुकूँगा। ये मेरा मुंबई से अजमेर तक का व्लॉग, अजमेर की दरगाह शरीफ जाने के बाद हम लोग वहाँ पे एंड कर देंगे थोड़ा व्यू दिखा के। फिर आपको डे 1 और डे 2 व्लॉग आगे देखना पड़ेगा सब्सक्राइब करके। तो चलते आगे और जो भी मार्केट का दिखता है मैं वो कवर करूँगा। और कुछ भी ऐसा लगता है किसी को तो कमेंट करके बताओ, वो मैं शूट करूँगा अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो। और देखते रहो मचाते रहो। रूम से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने, फिर उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद जाएंगे दरगाह शरीफ में ज़ियारत के लिए। और यहाँ पे लिफ्ट है और ऐसा होता है पूरा फ्लोर देखो रूम। और नीचे का एसी का भी दिखाता हूँ आप लोग को। एसी का रूम ग्राउंड फ्लोर पर ही और थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, सब एसी और हम लोग ने यहाँ पे अंदर ज़ियारत कर ली है और जुहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ियारत की। तो देख सकते हो यहाँ पे आज थर्सडे का दिन है और ये अनाउंसमेंट होते हैं, थोड़ा आवाज़ नहीं आएगी। सो गाइज मेरे को फाइनली यहाँ पे व्लॉग एंड करने वाला हूँ मैं। और यहाँ पे थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था बिकॉज मैं माइक नहीं लेके गया था जो कि वॉइस ओवर के लिए, और ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं। और व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आप न्यू हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अजमेर में मैं जितने दिन रुकूँगा मैं उतने व्लॉग बनाऊँगा और यहाँ पर जितनी भी फेमस जगह है और जैसे कि तारागढ़, लालदीन की झोपड़ी, अन्ना सागर लेक, तो मैं उस सब का व्लॉग पर्सनल वन बाय वन करके व्लॉग बनाने वाला हूँ। तो चैनल में जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें। और ये व्लॉग तो मुंबई टू अजमेर का मैं यहीं एंड करता हूँ। और भी व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। बाकी का ये व्लॉग इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलवेज एक नंबर।